हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। हाजिर हूँ आपके सामने दिन की बड़ी वीडियो के साथ, जो कि है रॉकी। तो देखेंगे आज की रॉ में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, WWE के आने वाले PPV हेल इन अ सेल के लिए कुछ बिल्डअप दिखता है या नहीं, तो नजर डालेंगे आज की पूरी रॉ पर। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बैल बजा के। की शुरुआत रोमन रेंस के सेगमेंट से होती है, लेकिन फैंस ने एक बार फिर यूनिवर्सल चैंपियन को बू से वेलकम करा। रोमन रेंस आके कहते हैं, मैंने ब्रॉन स्ट्रोमैन तुमसे कहा था कि मैं यहाँ वक्त पर पहुंच जाऊंगा और मैं आ गया हूँ। तुम यहाँ नहीं हो, लेकिन अब आने की जरूरत नहीं है। शील्ड की तरफ से ये सभी को ओपन चैलेंज है, कोई है लड़ने वाला? तभी एंट्री होती है ब्रॉन स्ट्रोमैन की। ब्रॉन स्ट्रोमैन कहते हैं, ऐसा ना हो पिछले हफ्ते की तरह तुम्हारे दोस्त तुम्हें बचाने के लिए अभी आ जाएं। रोमन रेंस कहते हैं, शील्ड के बारे में तुम जानते क्या हो? कोई उसे नहीं बता सकता कि उसे क्या करना है, मैं भी नहीं। अगर तुम इन हाथों से कारें, टॉयलेट और एम्बुलेंस पलट सकते हो, लेकिन ये हाथ टाइटल तक नहीं पहुंच सकते। क्यों ना तुम इसके लिए मैच लड़ो? ब्रॉन स्ट्रोमैन कहते हैं कि मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन नहीं करूंगा, क्योंकि सब जानते हैं कि तुम्हारे भाई आके तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन मैं साफ करता हूं कि 16 सितंबर को हेल इन अ सेल में मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करूंगा। इसके बाद दोनों ने हाथ मिलाया। अब लगभग क्लियर है कि हेल इन अ सेल में स्ट्रोमैन और रोमन रेंस के बीच मैच हो सकता है। तभी एंट्री होती है डॉल्फ जिगलर और ड्रू मैकइंटायर की। डॉल्फ जिगलर कहते हैं, ये सभी ने देखा है कि पिछले 3 हफ्तों से क्या हो रहा है। सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस ने मेरा खिताब जीत लिया। रोमन रेंस जैसा कि तुम्हें पिछली बार बचाया गया था, लेकिन मुझे मेरा रीमैच मिलेगा। मैं और ड्रू यहां इसलिए आए हैं क्योंकि हम सभी को साबित कर दें हमें नया चैलेंज चाहिए, लेकिन वो स्ट्रोमैन और रोमन रेंस तुम हो। क्यों ना आज रात एक मैच लड़ लिया जाए? तभी रॉ के एक्टिंग जनरल मैनेजर बैरन कॉर्बिन बाहर आते हैं और वो बोलते हैं कि ये ऑफिशियल है कि तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट को हेल इन अ सेल में कैश इन कर सकते हो। चलिए मैं मेन इवेंट को तय करता हूँ, ड्रू मैकइंटायर और डॉल्फ जिगलर वर्सेस रोमन रेंस और स्ट्रोमैन का आज रात मैच होगा। इसके बाद हमें बैरन कॉर्बिन वर्सेस फिन बैलर के बीच मैच दिखाया। शुरुआत से बैरन कॉर्बिन ने फिन बैलर पर पकड़ बनाई और फिन बैलर की हालत काफी खराब करी। बैलर ने एक टाइम बाद वापसी करी, बट कॉर्बिन ने स्टील स्टेप से फिन बैलर को मारा। मैच डिस्क्वालीफाई हुआ, बट एक्टिंग जनरल मैनेजर ने ऐलान करा कि ये एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है। फिर मैच शुरू हुआ और बैरन कॉर्बिन ने बैलर को चेयर से मारा और एंड ऑफ डेज मारकर मैच जीत लिया। इसके बाद साशा बैंक्स वर्सेस डैना ब्रूक के बीच मैच दिखा। दोनों ने बारी बारी अटैक करा। साशा बैंक्स ने सबमिशन लगा के इस मैच को जीत लिया। इसके बाद शो बैक स्टेज जाता है, जहां हमें डीन एम्ब्रोस और जिंदर महल एक साथ दिखते हैं और जिंदर महल डीन एम्ब्रोस को बोलते हैं कि वापसी के बाद वो उनकी मदद करेंगे। जिंदर महल ने डीन एम्ब्रोस को कहा कि वो अपनी आंखें बंद करें और शांति का पाठ करें। डीन एम्ब्रोस ने आंखें बंद की और जिंदर महल ने कहा कि अब तुम्हें क्या दिख रहा है। डीन एम्ब्रोस ने कहा कि उन्हें जिंदर महल और वो दिख रहे हैं, जिसमें डीन एम्ब्रोस उनकी हालत बुरी कर रहे हैं। जिंदर महल ये बात सुनकर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस का सेगमेंट दिखा। सेथ रॉलिंस बोलते हैं, पिछले हफ्ते हमने एक फैमिली को फिर से बनाया, इस हफ्ते मैं फिर से ओपन चैलेंज कर रहा हूं इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। अगर कोई आना चाहता है तो रिंग में आ सकता है। तभी एंट्री होती है केविन ओवंस की और वो बाहर आते हैं, और केविन ओवंस को जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा था क्योंकि आज की रॉ टोरंटो कनाडा से थी। इसके बाद केविन ओवंस बोलते हैं, मैं बड़ा खुश हूं कि तुम काफी खुश हो सेथ रॉलिंस, टाइटल मिल गया है और भाई भी। अब मैं जब ब्लू ब्रांड में था तो सोचता था कि कब मैं रॉ में आऊंगा। अब मैं रॉ में हूं, लेकिन मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं है। तुमने दोस्त की वजह से टाइटल को जीता। मैं भी जीत सकता था अगर मेरा दोस्त सैमी वहां होता। मैं स्ट्रोमैन को हरा देता और मनी इन द बैंक जीत लेता और फिर यूनिवर्सल चैंपियन बनता। मैं साफ कर दूं कि मैं यहां टाइटल लेकर जाऊंगा। इसके बाद हमें केविन ओवंस और सेथ रॉलिंस के बीच मैच दिखा। केविन ओवंस ने आते ही अटैक करा और उसके बाद सेथ रॉलिंस ने भी पलटवार करा। इन दोनों के बीच मैच इतना ज्यादा बढ़िया था कि मजा आ गया। रिंग के बाहर टर्न बकल पर, टॉप रोप पर, वाह, दोनों ने एक दूसरे को कवर करा, किक आउट करा। इसके बाद सेथ रॉलिंस ने ब्लैक आउट मारकर मैच जीत लिया। इसके बाद केविन ओवंस काफी उदास दिख रहे थे और आई क्विट बोलकर वो रिंग से चले जाते हैं। इसके बाद हमें बी टीम वर्सेस रिवाइवल के बीच मैच दिखा। ठीक ठाक मैच दिखा इनके बीच, बारी बारी से एक दूसरे पर अटैक करा, बट एंड में रिवाइवल ने जीत दर्ज करी। लास्ट वीक रिवाइवल ने सिंगल मैच में भी बी टीम को हराया था। इसके बाद बैक स्टेज रोंडा रॉजी, ट्रिस स्ट्रैडर्स, नटालिया जा रही थी, तभी बेला ट्विंस ने उन्हें रोका और सभी सुपरस्टार ने एक साथ फोटो खिंचवाई, जबकि बेला ट्विंस ने कहा कि वो अगले हफ्ते WWE में कमबैक कर रही हैं। इसके बाद हमें बॉबी लैशली वर्सेस असेंशन के बीच मैच दिखा। ये एक हैंडीकैप मैच था। शुरू में असेंशन ने लैशली पर पकड़ बनाई, बट जीत यहां बॉबी लैशली के हाथ लगी। इसके बाद हमें जिंदर महल वर्सेस डीन एम्ब्रोस के बीच मैच दिखा। शुरू में डीन एम्ब्रोस ने जिंदर महल को रिंग के बाहर करा। जिंदर महल ने भी वापसी करी और खल्लास मारने की कोशिश कर ही रहे थे, बट डीन एम्ब्रोस ने डर्टी डीट्स मारकर मैच जीत लिया।
इसके बाद हमें रोमन रेंज ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस डॉल्फ जिगलर ड्रू मैकइंटायर के बीच मेन इवेंट में मैच देखा। शुरू में रोमन रेंज ने डॉल्फ जिगलर को रिंग के बाहर करा, उसके बाद रिंग में ड्रू मैकइंटायर ने रोमन रेंज को बुरी तरह मारा। ड्रू मैकइंटायर और डॉल्फ जिगलर बारी बारी से टैग करके रोमन रेंज को मार रहे थे और रोमन रेंज को टैग नहीं करने दे रहे थे। इसके बाद जैसे तैसे रोमन रेंज ने ब्रॉन को टैग दिया, बट ब्रॉन स्ट्रोमैन अंदर नहीं आए, जिसके बाद डॉल्फ जिगलर और ड्रू मैकइंटायर ने रोमन रेंज पर बुरी तरह अटैक कर दिया। इसके बाद मैच कैंसिल हुआ। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने भी रोमन रेंज पर आके इसके बाद अटैक करा। रोमन रेंज को बचाने शील्ड ब्रदर में से पहले डीन एम्ब्रोज आए, उन्हें भी तीनों ने मिलकर मारा। उसके बाद सेथ रॉलिंस ने एंट्री मारी, उन्हें भी तीनों ने मिलकर मारा और इसके बाद पावर स्लैम की सैर कराई। शील्ड रिंग में आज ढेर हो गई। यही आज के रॉ के एपिसोड का एंड हुआ। ब्रॉन स्ट्रोमैन लास्ट वीक का बदला ऐसे लेंगे किसी ने सोचा नहीं होगा। ब्रॉन स्ट्रोमैन, डॉल्फ जिगलर और ड्रू मैकइंटायर साथ आ चुके हैं और मिलकर शील्ड को उन्होंने आज निशाना बना डाला। वहीं सेथ रॉलिंस और केविन ओवंस के बीच मैच ने आज मजा बांध दिया। केविन ओवंस का आई क्विट बोलने के पीछे क्या वजह है वो अभी साफ नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पे नकल शफल पहले किक मार के चैनल सब्सक्राइब करें, मगर प्यार से। थैंक यू।